जो हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है वह बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसके विरोध में आज महानगर अयोध्या में समस्त हिंदू भाइयों के द्वारा एक मार्च निकाली जा रही है। वह बांग्लादेश के विरोध में निकाली जा रही है, वहां के शासन के, वहां के जनता के विरोध में निकाली जा रही है, जिन्होंने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार किया है। ऐसे में हमारे समस्त महानगर अयोध्या के भाई लोग आज यहाँ राजकरण वैदिक पाठशाला में एकत्रित होकर यह शांति मार्च राजकरण वैदिक पाठशाला से निकालकर चौक घंटा घर तक जाएंगे विरोध में। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। यह आवाहन हमारे संतोष भैया के द्वारा किया गया, शिशिर दुबे के द्वारा किया गया, संतोष मिश्रा के द्वारा किया गया, नीरज पाठक के द्वारा किया गया, समस्त हिंदू भाइयों के द्वारा। यह वैचारिक हम सभी अपनी बातों को लेकर इस शांति मार्च को लेकर चल रहे हैं। इसमें हमारे संतोष भैया भी अपनी चार शब्दों को यहाँ आप सबके बीच में रखेंगे। आप सबसे हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिसके लिए मजबूरी भी आ गई थी कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया जाए अयोध्या की भूमि से। अयोध्या से जब कोई आंदोलन शुरू होता है या कोई संदेश जाता है तो पूरी दुनिया में जाता है, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से ये एक पत्र भेजा जा रहा है, जिसका आशय एक है कि जो कुछ बांग्लादेश में घटित हो रहा है वो कदाचित यूं समझ लिया जाए कि हिंदू समाज को ललकारा जा रहा है, झकझोरा जा रहा है। और हमारी भी संख्या कम नहीं है, हमने चूड़ियां नहीं पहन ली है, हमारे परिवार की महिलाओं के साथ वहां बलात्कार की घटनाएं हो रही, छोटे छोटे बच्चों को पटक पटक कर मार डाला जा रहा है, चीर दिया जा रहा है, तलवारों से मारा जा रहा है, बल्लम भाले से मारा जा रहा है। तो यही मैसेज करने के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश पर ये दबाव बनाए कि बांग्लादेश होश में रहे, अन्यथा हमारे हाथों में चूड़ियां नहीं है। भारत इतना कमजोर नहीं है और आज दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यदि इन घटनाओं को रोका नहीं गया तो बांग्लादेश के बहुत घुसपैठिए यहाँ रहते हैं, हम भी कार्यवाही करना जानते हैं। और अगर इस देश का हिंदू मजबूर हो गया, उसने भी हाथ में लाठियां और तलवारें उठा ली, तब इस देश में क्या होगा और ये कहाँ जाएंगे? इनको तो कहीं जगह फिर नहीं मिलेगी, हम सीमा के बाहर भी नहीं जाने देंगे। इसलिए हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से यह निवेदन करते हैं, उनको ये पत्र भेज रहे हैं कि यथाशीघ्र अविलंब तुरंत द्रुत गति से इस पर कार्यवाही हो। और हमारे वहाँ जो नागरिक वर्तमान में बचे हैं, रह रहे हैं नदियों में, पहाड़ों में, जंगलों में छिप छिप कर रात बिता रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन भारत सरकार से है और मुझे विश्वास है कि जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अपने आप सब कुछ ठीक करेंगे, विश्वास भी है। इसलिए उनको यहाँ से ये पत्र भेजा जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब आने वाले हैं, उनकी प्रतीक्षा है और ये